अभी बोल पड़े कि आ रहा है वो मशीन जो है गाड़ी नहीं कर रहा है वो दूसरा प्लान निकल लगा कि इसी में यही नहीं नहीं लगेगा यही लगेगा इसे तकरीबन 10 साल होगा है 10 साल दस साल से भी बल्कि ज्यादा ही हो गए क्यों साहब। हाँ, 10 साल जब से चल ही रहा है जी हाँ, मशीन बता रहा 10 साल हो गए। लेकिन अब भी जो है आपका 1 घंटा लगता है 2 टन लाने में 20 कुंटल लाने में 1 घंटे में 20 कुंटल लगा देते जबकि ये पहले वाला छोटा मॉडल है। हाँ वो और बड़ा मॉडल आएगा तो इसमें अभी बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज हम लोग मुजीम भाई के फार्म पे आए हैं काफी दिन के बाद में और आप देख सकते हैं कि सामने फिनिशर फीड रखा है। इसके विषय में हम बताएंगे कि कैसे बनता है और इसकी कटिंग और मिक्सिंग क्या है। उससे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि सर हमारे पास में हजारीबाग झारखंड डिस्ट्रिक्ट से सर आए हैं और 7,000 की फार्मिंग सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे मुझे भाई ये और अब निजी फार्मिंग करेंगे सर मशीन लेके जा रहा है। साथ में मेरे साथ में बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट से सर आए हैं और सर भी 5,000 की फार्मिंग करते थे और अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और निजी फार्मिंग करेंगे। साथ में बिहार बक्सर डिस्ट्रिक्ट से सर आए हैं, है ना, तो लगभग 2-3 जगह से आए और अभी और भी वेस्ट बंगाल से वहां से भोपाल में आ रहे हैं मशीन लेके जाएंगे। अब सर ने मशीन परचेस करने के बाद में बोला कि मुझे भाई से मिलना है तो हम मुझे भाई से मिलवाने के लिए गोडाउन पे लेके आए। बहुत सारे लोग हैं उधर भी, देखिए छानबीन कर रहे हैं पूरा। सीख रहे हैं कैसे। हाँ, तो मेरी क्या मजाक करने की आदत है। अपना इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम मुजीम भाई से ही जानेंगे। मुजीम भाई नमस्कार साहब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। सर अपना नाम बताइए फटाफट, फिर इसके बाद में मुजीम भाई से अपन फिर। मेरा नाम मोहम्मद आदिल हुआ, मैं झारखंड से आया हूँ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। जी अपना बताइए सर। संजय चप्पल हुआ सर, सुपौल बिहार से आया हूँ सर। मैं उमेश कुमार सिंह, बक्सर जिला से आया हूँ बिहार से। चलिए मुजीम भाई, ये फीड तो बहुत अच्छा दिख रहा है कटिंग और मिक्सिंग। कौन सा फीड है ये? ये फिनिशर है। हाँ फिनिशर है जी, फिनिशर है। अच्छा, इसमें फिनिशर फीड बनाने में अपन ने क्या क्या, सर पूछ रहे थे क्या क्या मिलता है, अपन इसी पे बात कर लेते हैं, आप भी बताइए। इसके अंदर साहब मक्का मिलती है और सोया मिलता है, DOC जिसे बोलते हैं, और बाकी ऑयल डलता है, टॉक्सी माइनर वगैरह डलता है उसके अंदर। ये सब मिलके जो है ये देखिए आप इसकी कितना बेहतरीन दाना बना है। ये कहीं से कहीं तक कोई कंप्लेन नहीं और कोई शिकायत नहीं, कोई अच्छी बहुत बढ़िया 1 नंबर क्वालिटी बनती है मार्केट के हिसाब से। मार्केट में तो क्या है कुछ भी मिला देते हैं जी सर, देखने यहाँ क्या है कि अपन अपने हिसाब से मिलाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। अब आप मक्का देखिए कितनी बेस्ट है यहाँ अपने, उस हिसाब से जो अपनी मर्जी का वो खिलाएंगे तो मुर्गा अपन को रिजल्ट भी देगा। FCR वगैरह ये सब चीज है। मुझे भाई मार्केट से कितने रुपए कम में पड़ जाता है ये? मार्केट का रेट क्या चल रहा है आप खिला रहे होंगे अभी? 9 रुपए का पर केजी पे, मतलब अपन को फर्क है। 1 टन आप बनाते हैं तो 9,000 रुपए बचाते हैं आप। आपके 56 रुपए चल रहे हैं, 33 रुपए पड़ा है 35 मार्केट में 56 रुपए। और अभी आपको, आप चाहे तो हम रेट से भी जुड़वा सकते हैं आपको, वही 35 का रेट निकलेगा क्योंकि हमारा तो क्या है रोज का काम है, रोज का कैलकुलेशन करना, आज क्या हुआ, क्या रेट पड़ा, आज क्या रेट पड़ा। इसी हिसाब से आप अगर ये ग्लैंडर से खुद का फीड बनाते हैं तो आपको 8-9 रुपए पर केजी का आपको फायदा है। अगर आप 1 टन लगाते हैं तो 8,000 रुपए आपके बचते हैं। मुझे भाई ये तो 7,000 का फिला के आपका 7,000 में, तो आप तो बहुत दाना लगाते हैं। आप तकरीबन आप मेरे हिसाब से 25 टन दाना लगा लेते हैं। बिल्कुल 7,000 के फिलहाल पालने में 25 टन दाना लगा देते हैं। अब आप 1 टन पे आप 8,000 ही मान लो, आप 5,000 मान लो, आप जोड़ लीजिए 25 टन के 1,25,000 रुपए हो रहे हैं आपके। तो आप जो कमाई है वो तो आप सब दे रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों में। खुद का फीड बनाइए आप, यदि आप फार्म में भी सक्सेस कर पाएंगे वो फिर इसके बाद में भी फीड की गारंटी नहीं ना, कैसा सामान मिला कैसा फीड मिला। वही बात है, अपन खुद बना रहे हैं तो अपन अच्छी चीज डालेंगे भाई। उनका क्या है, अगर मान लो टॉक्सी वाइनर ही नहीं है तो बिना टॉक्सी वाइनर के चला दिया कि ठीक है अभी आ रही है बोरी इतने भी ये रहता। और यहाँ अपन क्या है, अपन समझ सकते हैं कि उससे क्या अपन को दिक्कत आ सकती, तो अपन बिना टॉक्सी वाइनर मिलाए बना नहीं सकते। वो फिर सामने वाला क्या मिला के दे रहा, मक्का की क्वालिटी कैसी है? मक्का, अब ये मक्का की क्वालिटी देखिए, इसमें भी और क्वालिटी आती है। सोया कैसी क्वालिटी का है, ऑयल कौन सी क्वालिटी का है,
अब सीधी सी बात है यार, सामने अगर डीलर से लोगे तो वो तो अपना देखेगा। ये जबकि नीचे की बोरे में से निकली हुई मक्का है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए एक एक दाना अब अलग अलग। कितने मक्का बेस्ट मक्का कहलाती है इस टाइम की कंडीशन में, सूखी सट रखी हुई। कैसे के जी? ये अभी हमने पुराने रेट में मंगाई है तो ये 25 रुपए के जी पड़ी है अपन को। हालांकि अभी आने को नई मक्का आ गई है वो 20 रुपए पड़ रही है, लेकिन वो अपन खिला नहीं सकते क्योंकि उससे ज्यादा अपन को नुकसान हो जाएगा अगर अपन गीली मक्का खिलाएंगे, टॉक्सी आएगी बच्चे में। अच्छा मुझे भाई डीओसी होते हैं, ये डीओसी दे दिया, ये देख लिया, ये डीओसी कितना शानदार डीओसी। बहुत सारे लोग डीओसी का भी पूछते हैं कैसी होती है, देखो डीओसी इस तरह डीओसी ऐसी होती है का ऑयल निकलने के बाद में ये। अब ये डीओसी का भी क्या है, परसेंट होता है, मतलब ये भी 46% 47% होना चाहिए। अब भाई अगर सामने वाला मिला के दे रहा है तो कितने प्रोटीन का सोया है, मक्का की क्वालिटी कैसी है, ऑयल कैसा है, भाई आप फीड बनाओगे तो ऑयल और डीओसी की क्वालिटी पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। अब क्या है भाई, बहुत सारे ले जाते हैं, पता चल रहा है कि डीओसी 35% प्रोटीन है ही नहीं उसके अंदर, तो कम है, ऑयल में कचरा मिला दिया, फिर कहते हैं कि वजन नहीं आ रहा। भाई आपकी ऑयल प्रोटीन ऑयल और सोया में होता है तो ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब ये अपन ने 10% का जैसे मुझे भाई ने बनाया तो इसमें मक्का डीओसी ऑयल और 10% और एक टॉक्सी बाइंडर, 4-5 चीजें डाली है बराबर मात्रा में, 4 चीजें रहती हैं, 4 चीजें टॉक्सी बाइंडर। तो अगर मक्का गीला मिला है तो डाल दो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। अगर आपका सूखा बेस्ट जैसे इस तरह की मक्का है तो इसमें आपको टॉक्सी बाइंडर की ज्यादा आवश्यकता नहीं है अगर नहीं हो तो। और ये मशीन रखिए मुजीम भाई, शुरू में मुजीम भाई अपन ने कितने से स्टार्ट किया था? अब मेरे तो 500 बच्चों से चालू करा। चलिए इस पे अपन एक दूसरा वीडियो बनाएंगे अभी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। साथियों ये जो मशीन रखी है मुजीम भाई ने, इसी मशीन से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था शुरू में जब पोल्ट्री फार्म स्टार्ट की थी 500 वर्ष से। और आज मुजीम भाई का 50,000 का फार्म है, 50,000 से 60,000 का। और आप देख सकते हैं कि आज ही सर मुजीम भाई ने एक और नई मशीन मंगाई है, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। और ये मशीन है, ये फीड है और पूरी फार्मिंग इसी से करते हैं भाई। ये देखिए कितने मिनट का वीडियो हुआ, 7:30। चलिए ठीक है साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।